ओम शांति। अभी सभी मुरली का चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या बताया बाबा ने आज मुरली में? बोलिए उर्मिला बहन जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। स्नेह और शक्ति मूर्त। बाप दादा बोले कि सभी बच्चे, यानी इसमें कोई नंबरवार नहीं, हर एक बच्चा बाबा के स्नेह के भुजाओं में ऐसे समाये हुए है जैसे नदी सागर में समा जाती है। बाबा के स्नेह में सभी बंधे हुए है और बच्चे भी प्रभु को स्नेह में बांध लिया है। बाप दादा के स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सभी को तन मन दिल से बाप की समीप लाती है। स्नेह ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा और माँ जगदम्बा सरस्वती की स्नेह की पालना हम सभी ने सुना है। मम्मा ममता मूर्ति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को सहज पास करना। बाबा ने इसके लिए बहुत ही अच्छी विधि बताई कि तो इस वर्ष आप सभी बच्चे व्यर्थ से इनोसेंट बनो। अब व्यर्थ से इनोसेंट बनने के लिए बाबा ने कहा न व्यर्थ बातें, न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो। अब क्या करना है? तो बाबा ने कहा बाप को देखो, बाप समान बनो और बाप समान करो। और बाबा ने एक बात और बोली, शुभ बोलो, शुभ सोचो और शुभ करो। ऐसे बाबा ने स्नेही बनने के लिए बहुत अच्छा हमें तरीका बताया। और बाबा ने कहा कि रिटर्न क्या करना है आपको बाबा के स्नेह का, तो रिटर्न में आपको खुद ही टर्न हो जाना है। जैसे भक्त सिर उतारते हैं, आपको सिर नहीं उतारना, आपको रावण का सिर उतारना है। ओम शांति। ओम शांति। इसी दीदी ने जो बात शेयर की उसी के साथ ही ऐड करना चाहूंगी कि बाबा इस टर्न को बोलता है ये त्याग नहीं है, ये भाग्य है। कई बार बच्चों के मन में आता है ना कि बहुत करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं ये मेहनत नहीं है, मोहब्बत में ये त्याग नहीं है, ये भाग्य है। तो भाग्य के लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते? और उसके साथ ही बाबा ने बहुत सुंदर बात हमें रियलाइज कराई कि बाप है ना स्नेह करता है, तो वो क्या चाहता है कि ये मेरे जैसे बने। उसको अगर कोई गलती भी बच्चों में नजर आती है ना, तो पहले लगता है कि मुझ में है, जैसे ब्रह्मा बाबा हैं। जब देखते एक बार याद आ रहा है कि मम्मा, जैसे कोई गलती हुई तो मम्मा को उन्होंने बोला कि ये आपकी गलती है, तो क्या था? क्योंकि ब्रह्मा बाबा स्वयं को ऐसा देखते कि मुझे विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाया बाबा ने, मम्मा निमित्त बनी तो मम्मा को भी वही वाले संस्कार, तो मम्मा में भी वही कि अपनी ही देखना कि मैं बनूंगी तो सब बनेंगे, तो करके दिखाना। तो ये त्याग नहीं, ये भाग्य है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। बाबा इसको बार बार गलती करने के लिए मना किया है। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो।
अति सहज। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज पापा ने कहा कि जो अल्पकाल के जो सहारे हैं ना, वो सहारे, वो उनका किनारा वो छोड़ दो, एक बाप को ही अपना सहारा बनाना है। तो हम अल्पकाल के जो हद के जो सहारे पकड़ लेते हैं, उसमें बाबा ने थोड़ा समझाया कि जैसे अपने स्वभाव संस्कार को अपना कहना, चाहे परिस्थिति को या जो भी हमने किनारे ये जो अल्पकाल के बनाए हुए हैं ना, ये सब धोखा देने वाले हैं। हम कहते हैं ये स्वभाव, ये मेरा स्वभाव है, ये परिस्थिति ही ऐसी आ गई तो मैं क्या करती। तो बाबा कहते हैं इन सब को छोड़ के एक बाप को सहारा बना लो और बाबा की ही छत्र छाया में रहना है, उसको बाबा की छत्र छाया में रहो। तो जो जितने भी ये सहारे धोखा देने वाले हैं, ये माया है, इसे हम बच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि व्यर्थ को समाप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो। तो हम आत्मिक शक्ति में रहेंगे तो हमें व्यर्थ का कोई असर नहीं होगा उसमें, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में या वायुमंडल परिवर्तन में। क्योंकि जैसे हमारे संकल्प चलेंगे, अगर व्यर्थ चलेंगे तो बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प बोल कर्म इकट्ठा इतना फास्ट होता है। सपोज अगर हमारे मन में किसी के लिए भी निगेटिव बात है और उसने हमें उसका पुराना याद आ गया कि इसने हमें ऐसा बोला था या हमारे साथ ऐसा किया था, फिर जब वो सामने आता है तो मन में होता है बहुत तेजी से इसको भी सुना दें ऐसा। अब तो क्योंकि हम लोग सब पुरुषार्थी हैं, ऐसा अब खत्म हो रहा है, लेकिन इस तरह का व्यर्थ चलता है कि इसको सुना दें बहुत तीव्र गति से। तो बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ का इतना संकल्प बोल कर्म बहुत तीव्र होता है, व्यर्थ का जोश बहुत ज्यादा होता है। तो बाबा कह रहे हैं अगर समर्थ संकल्प करेंगे तो व्यर्थ से बच जाएंगे। क्योंकि इसके लिए बाबा ये भी कहते हैं कि आप अपने सतयुगी राज के जो आपके उस समय आप व्यर्थ से इनोसेंट थे, मतलब हमें इसकी भी व्यर्थ की अविद्या थी, अविद्या स्वरूप बनो। तो चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में अगर व्यर्थ की अविद्या हो जाएगी तो समर्थ संकल्प आने लगेंगे। तो समर्थ संकल्प आएंगे फिर इससे दिव्यता सहज ही अनुभव होगी और दूसरों को भी हमारे से दिव्यता अनुभव कराएगी। तो इसलिए आत्मिक स्थिति में रह के हम बाबा से कनेक्ट हों तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज ओम शांति भवन में बैठे हुए बात के बच्चों से भी बोला है, दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना दिल तख्त पर हैं, कोई नैनों के नूर हैं, कोई दिल तख्त नशीन है, सबसे नजदीक नैन और दिल हैं। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूर रतन बन समाये हुए हो, समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज हमें पुरुषार्थी शब्द का यथार्थ मीनिंग बताया कि पुरुष बाबा बोलते हैं आत्मा पुरुष है और ये शरीर आपका रथ है। तो हमें ये सोचना है कि पुरुष मतलब हम करावनहार हैं, करण करावनहार हम हैं, अपनी आत्मा अपने कर्मेंद्रियों से करा रही है, मैं आत्मा पुरुष इस रथ द्वारा करा रहा हूँ। तो ये पुरुषार्थी शब्द का यथार्थ मीनिंग है। फिर बाबा ने कहा कि पुरुषार्थी को चलना दौड़ना नहीं है, उड़ना है। तो यथार्थ पुरुषार्थी सदा उड़ती कला वाले को कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि एक बार जो गलती की उसको बार बार रिपीट करते रहो और एक्सक्यूजेस देते रहो कि हम तो पुरुषार्थी हैं, उसको हम अपना सहारा बना ले कि अभी तो हमें मार्जिन है। तो बाबा ने कहा अभी समय की गति बहुत तीव्र है तो ये मार्जिन नहीं रखना, उड़ती कला में रहना है। और ये जो व्यर्थ के अल्पकाल के सहारे जिनको हमने किनारा या पकड़ के रखा है, तो बाबा ने कहा अगर ये पकड़े रखेंगे तो फिर मेरा सहारा या मेरी मदद नहीं ले पाओगे, तो इनको तुम छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो बाप का सहारा अनुभव हो नहीं सकता, तो फिर हम ये साइड के सहारों को छोड़ना होगा। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने सेवा के सब्जेक्ट में कहा कि जब आप व्यर्थ को समाप्त करते हो तो आपको सेवा की ऑफर भी आगे से आएंगी।
तो जैसे बाबा कहते पहले सेवा करने के तो निमित्त बने हो, लेकिन अब निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनना है, मतलब कि आपको माइक बनना है, बाकियों को माइक बनाना है अपनी माइट के द्वारा, आप अपनी माइट से माइक बनाने के निमित्त बनो, तो यही तीव्र गति की उड़ान की निशानी है। और जो व्यर्थ होते हैं वो बादल होते हैं जिनको आपने एक सेकंड में क्रॉस करना है, सही विधि से सिद्धि को प्राप्त करना है। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया, तो आज की मूल इससे हम होमवर्क लेंगे। जैसे कि बाबा ने बताया कि आप सब बच्चों का बाबा से स्नेह है, स्नेह में सभी पास है, लेकिन बाबा ने लास्ट में बताया कि स्नेह का रिटर्न देना है हम सभी को, और वो बाबा हमें हमसे क्या चाहते हैं, खुद को टर्न करना, खुद को परिवर्तन करना। तो आज बाबा ने मुरली में हमें बताया अपने स्व के ऊपर अटेंशन रखना है। क्या अटेंशन रखना है, हमारे संकल्प कैसे हैं, हमारे संकल्प शुद्ध रहे, इसीलिए बाबा ने कहा है कि शुद्ध संकल्पों में रहो। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, बाबा ने ये भी बताया, जैसे अभी डिस्कशन में भी बताया गया कि बाबा ने यहाँ पर मुरली में हमारा क्या अटेंशन खिंचवाया है कि अपनी आत्मिक स्थिति में रहो, आत्मिक शक्ति की उड़ान भरो। तो आज हम बार बार खुद की आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अपने चमकते हुए प्रकाश स्वरूप को देखेंगे बार बार, और एक शुद्ध संकल्प करेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, इस तरह शुद्ध संकल्पों में रहें। और दूसरा क्या करेंगे, बाबा ने ये अपना सतयुगी स्वरूप को बार बार हमें कहा कि वो देखो वो कितना इनोसेंट है व्यर्थ से। तो हम अपने पहला एक दो चीजें करेंगे, आत्मिक स्मृति में रहें, शुद्ध संकल्प करें, और अपने सम्मुख अपना देवता स्वरूप बार बार इमर्ज करें कि ये कितना व्यर्थ से इनोसेंट है, मैं यही हूं और ये मुझे अभी करना है। ठीक है, तो आज हम ये जो है होमवर्क लेंगे आज के लिए। तो पद्मा बहन जी, आप थोड़ा 2-3 मिनट योग कराएंगे। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। हम सभी एक सेकंड रिलैक्स होकर के बैठेंगे सभी। और जब आज जो बाबा ने मुरली में कहा है उसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे। हम सब बाप की भुजाओं में या नैनों में या दिल तख्त पर बैठना है। कोई भी एक चूज कर ले, जिसको जो पसंद वहां पर बैठ जाए और अपने आप को चेक करे कि हम बाबा के स्नेह में कहां तक समाये रहते हैं, कितना समय हम सागर के गहराई में जाते हैं। जितना गहराई में जाएंगे उतना हम माया से, व्यर्थ से इनोसेंट बनते जाएंगे। जितना माया व व्यर्थ इनोसेंट उतना हमारे अंदर दैवी गुण, सतयुगी संस्कार इमर्ज होंगे। जितना सतयुगी संस्कार इमर्ज होंगे उतना हमारा बोल, कर्म, संकल्प, संबंध, संपर्क में, प्रैक्टिकल में वो दिखाई देगी, नेचुरल स्वभाव बनता जाएगा। मेहनत नहीं, ये बाबा के स्नेह का कमाल है। धीरे धीरे ये शुद्ध संकल्प हमारे बुद्धि की खुराक बन जाएगी। व्यर्थवश माया की अविद्या, बाबा रोज हम शुद्ध संकल्पों की खुराक रोज परोसते हैं, जिसको लेने से मैं और आत्मा, मैं आत्मा शक्तिशाली बनते जा रही। शुक्रिया बाबा जो रोज हमें शुद्ध संकल्पों की खुराक परोसने के लिए, थैंक यू बाबा, दिल के गहराई से आपको कोटि कोटि शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू पद्मा बहन जी।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे डिस्कशन के लिए, कॉल में जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे। ओम शांति। थैंक यू सो मच बाबा एंड ऑल। ओम शांति।